नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं बोर्ड के एग्जाम देने वाले उन विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। 120 टॉप में हैं और उनका इंटरव्यू के बाद जो है 28 मार्च को रिजल्ट आएगा और उन्हीं छात्रों में से कोई बिहार का 10वीं बोर्ड में टॉपर बनेगा। उन्हीं में से कुछ छात्रों से हमने बात की और एक छात्र हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? राजन कुमार। राजन कहाँ से आए हैं? असलहिया इमामगंज प्रखंड, गया जिला। इमामगंज प्रखंड से आए हैं। ये बताइए कि कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जी, एकदम पूरा संतुष्ट दिख रहा है आप। जी हाँ जी, तो बताइए राजन की क्या क्या पूछा गया इंटरव्यू में? 16 साइंस में हमें बिहार के मुख्यमंत्री बारे पूछा गया, कौन है उप मुख्यमंत्री, कौन है, और बाकी सही विषय में सब्जेक्ट से पूछा गया था क्वेश्चन। सब्जेक्ट से जी, बाकी बाहर जनरल ने पूछा गया सामाजिक विज्ञान में, बाकी का मैथ हो, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी में सब्जेक्ट के अंदर पूछा गया था। ये बताएं कि इंटरव्यू आप कह रहे हैं बहुत अच्छा रहा और आपका ऐसे भी मतलब नंबर अच्छे आए हैं, 120 में हैं आप, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो आपको अपना अनुमान क्या है कि कितने नंबर आने हैं? 480 से प्लस रहेंगे। 480 प्लस, तो अच्छा रिजल्ट होना तय है आपका। ये बताएं कि आपने अच्छी पढ़ाई की, अब जब अच्छे रिजल्ट नंबर मिल रहे हैं बोर्ड में, तो आगे का क्या है? आगे आपने कुछ सोचा है कि क्या लक्ष्य है आपका, क्या करना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना जी जी जी। और आपके घर में कौन कौन है राजन? माता पिता, भाई बहन। अच्छा, तो आपके साथ कौन आए हैं? गुरु आए हैं और भाई आए हैं, भैया हैं, और साथ में माता जी हैं। माता जी हैं आपकी? माता जी हैं जी। अब पापा क्या करते हैं आपके? पापा बनारस में दरी बनाते हैं। क्या? दरी। दरी बनाते हैं जी। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब इनके पापा एक तरह से कहें कि मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन बेटा ने जो है नाम रोशन कर दिया है, भले टॉपर ना हो, लेकिन ये तय है कि जैसा ये दावा कर रहा है और 1 से 20 में इसका जो है नाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम में, फर्स्ट डिवीज़न तो आना तय ही है। आप बताइए, आपका बेटा आपका नाम तो रोशन कर दिया, काफ़ी मेहनत करता है बच्चा? करता है, मेहनत। खुश है ना? खुश है। हाँ खुश है सर। और इसके पापा खुश हैं? खुश हैं। खबर मिल गई होगी उनको? मिल गया। मिल गया। अच्छा, तो अब बेटा कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, तो मतलब अच्छी बात है। अच्छी बात है सर। गांव में भी लोग बहुत तारीफ कर रहे होंगे? सर भी ऐसे तारीफ कर रहे हैं। सर भी तारीफ कर रहे हैं। कौन है सर? जी हमारा मैथ सर। आ जाइए इधर। ये दो सर हैं इनके। आप मतलब कोई कोचिंग में पढ़ाते हैं या ट्यूशन देते हैं? जी मैं कोचिंग ही पढ़ाता हूँ, मैं उसी स्कूल का टीचर भी हूँ जिस स्कूल का ये स्टूडेंट है। अच्छा, अच्छा। और पिछले बार जो है से हमारे यहाँ प्रखंड टॉपर रहा था लेकिन मेरा स्कूल का, लेकिन इस बार तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और मुझे दावा के साथ कहते हैं जैसा इसका मैंने हाव भाव या रिजल्ट देख रहे हैं तो उसके हिसाब से मुझे विश्वास है कि ये निश्चित रूप से मैंने बिहार बोर्ड में टॉप करेंगे। मैंने जितना इनके साथ मैंने मेहनत किया है, पूरा मेरा स्टाफ मेहनत किया है, और इस दावा के साथ मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है से निश्चित है कि टॉप करेंगे। जी, पढ़ने में मेहनती लड़के, बहुत बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे मुझे विश्वास है कि ये मैथ का जहाँ तक स्टूडेंट है और मैथ में मैंने इनका नंबर आने वाला समय में बिल्कुल मैं बताऊंगा कि 100 में 100 जरूर लाएंगे। 100 में 100 जी, बिल्कुल बिल्कुल मार्क आएगा। जी हाँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं और कहीं से कोई काट नहीं कर सकता है, मुझे कॉन्फिडेंस के साथ है जिसका मैंने इसको परफॉर्मेंस मैंने जब पहले देखा है। तो ये मतलब 100 में 100 ये आप मतलब इतना मेहनत, आप मैथ पढ़ाते हैं? जी हाँ सर, मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं जी। और आप क्या पढ़ाते हैं? इधर आइए, आप क्या पढ़ाते हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद सर, योगेश चक्रवर्ती सर। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ सर। बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में बहुत मेहनतशील है सर, समझ गए। और जैसा कि कल कॉल आया था बिहार बोर्ड से जी जी इसका इंटरव्यू के लिए, तो हम लोग वहाँ पर, यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी है सर सलैया इमामगंज, तो एक गाड़ी बुक करके और हम लोग फिर यहाँ पे फौरन रात में चले और सुबह में यहाँ पहुँचे। ये बताएं कि मतलब जिस तरह से इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया और
ये अच्छा नंबर लाए हैं तब कॉल किया गया, स्वाभाविक है। आप लोग का सीना सबका चौड़ा हो गया। बहुत खुश हैं सर, बहुत नहीं बिल्कुल हम लोग को गर्व है बहुत। और मेरा जो विद्यालय पढ़ता है बिल्कुल सुदूरवर्ती क्षेत्र में, आज तक उस क्षेत्र को नक्सल एरिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और वैसे जगह में ये छात्र जैसे पत्थर में डूब जमाने का काम किया है। पत्थर में डूब जमाने का काम किया है, हमने सुना था अभी तक गुदड़ी का लाल और क्या क्या बहुत सारे ये हैं, लेकिन इसने जो है पत्थर में डूब जमाने का काम किया है, मतलब पत्थर का सीना चीर दिया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने आज तक उस तरह का उस क्षेत्र में ऐसा परफॉर्मेंस ना मैंने सुना था ना देखा था। अगर जो टॉप करता है सर तो हम लोग के सपना पूरा होगा। जब हम लोग पढ़ते थे तब हम लोग को लगता था कि बिहार टॉप लेकिन करता कैसा रहता होगा, आज हम लोग सामने देख रहे हैं ये लड़का बिहार टॉप कर सकता है। अभी रिजल्ट आया नहीं है लेकिन जैसे ही फ़ोन आया, हाँ जब इनके प्रिंसिपल हैं श्री शिवालक प्रसाद यादव, उनके पास कॉल आया कि आपका स्टूडेंट जो है वो मतलब टॉप में आ रहा है, कॉल आया इसको इंटरव्यू के लिए यहाँ बुलाया गया। हम लोग बहुत खुश हैं कि चलो कम से कम टॉप करता है तो स्कूल के नाम होगा, सर पढ़ाएँ कोचिंग के नाम होगा, हम लोग के नाम होगा, गाँव के नाम होगा, बहुत खुशी हो रहा है सर। जैसे ही नाम सुने कि वहाँ बुलाहटा है तो हम लोग बहुत खुश हुए, समझिए सपना एक पूरा होगा हम लोग के। अगर ने पत्थर में डूब जमाने का काम किया है, रेड नेटवर्क की ओर से राजन को शुभकामनाएं और ये अपने लक्ष्य में कामयाब हो हम तो यही कहेंगे। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।